दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रीसेंट मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट हार चुकी है। सभी फैंस का रिसेंटली दिल जरूर टूटा होगा, बट एक बहुत ही क्लोज मैच और बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने को मिला। कुछ रिकॉर्ड्स टूटे, कुछ रिकॉर्ड्स बने, बट यहाँ पर सुनील नारायण की शतक का अफसोस है क्योंकि वो एक हार के कॉज में आई। बट स्टिल काफ़ी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है, चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं सभी टॉप अपडेट्स को। तो पहली अपडेट आ रही है पॉइंट्स टेबल को लेकर। तो टीम केकेआर का भी एक ही लक्ष्य था, आईपीएल 2024 के अंदर टेबल टॉपर्स बनना, जिसके लिए उनको सबसे पहले तो राजस्थान रॉयल्स को हराना था। और अगर वो हरा देते तो इसके साथ दो रिकॉर्ड बन जाते, एक तो लगातार 3 जीत ईडन गार्डन्स के ऊपर हो जाती, और इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी वो टॉप कर जाते, क्योंकि अगर केकेआर कल जीत जाती तो राजस्थान के और केकेआर के पॉइंट्स बराबर होते, और ऐसे के अंदर जो नेट रन रेट है ना केकेआर की ज्यादा होती। बट ये सब अब कल गया, यानी रात गई बात गई, केकेआर जीत नहीं पाया। बट अगर बात करें ना तो एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ। अब आप इसको नेगेटिव मत लो, इसको एक पॉजिटिव वे में लो। टीम केकेआर को सीरियसली जो गौतम गंभीर हैं, भरत अरुण हैं, चंद्रकांत पंडित हैं, जो अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे ना, कह रहे थे कि स्टार आएंगे, वो यहाँ पर अभी फॉर्म में नहीं है, आने वाले मुकाबलों में फॉर्म पर आएंगे, ये बॉलर है वो फॉर्म में आएगा, वो बॉलर है वो फॉर्म में आएगा। अब पता चल गया ना दोस्तों रियलिटी चेक कि क्या है, क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा, जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ इस पिच के ऊपर होने वाला था, उनको तो यूज़ ही नहीं किया गया, और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट वही था। क्योंकि यहाँ पर स्पिन की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने ठीक ठाक ही बॉलिंग डाली, सुनील नारायण द मैन द मिथ द मैजिशियन शतक उन्होंने मारा, बट यार गड़बड़ हो गई, जिता नहीं पाए। बॉलिंग में कैच भी किया, विकेट भी लिए, बट जिता नहीं पाए। कुल मिलाकर वही बात है, बट सुयश शर्मा अगर इस मुकाबले में होते तो यहाँ पर टीम केकेआर के लिए कुछ करते। बट सबसे पहले तो इस चोर मिचेल स्टार्क को टीम से बाहर निकालना चाहिए। 25 करोड़ खा के 4 ओवर हर मुकाबले में 50 रन खाता है, तो सबसे पहले अगर जॉस बटलर नहीं कुछ करते ना अगर मिचेल स्टार्क को, तो इशू हो जाता। तो जॉस द बॉस ने तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई दी, कब यहाँ पर जो मिचेल स्टार्क है वो बॉस बन पाएंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताओ आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर कल का मुकाबला कहाँ पर आ रही, और क्या आने वाले मुकाबलों को जीतकर टीम केकेआर टॉप पर बन पाएगी। अगली अपडेट निकल कर आ रही है केकेआर नाइट्स को लेकर। तो रीसेंट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नाइट की रही है, अब ऐसा कुछ इशू नहीं है कि टीम केकेआर हार गई तो कुछ ज़्यादा बुरा हो गया, सब चलता रहता है। दोस्तों बात करें ना तो टीम केकेआर 6 मुकाबलों के अंदर 4 जीत के साथ, 2 लॉस है बट 8 पॉइंट है। तो अभी टीम केकेआर को ना 3 मुकाबले और जीत लेने चाहिए, क्योंकि अब कंपटीशन ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, अब मजाक नहीं चल रहा है। बट रिसेंटली अगर नाइट्स परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले इंजरी की बात कर लेते हैं। आंद्रे रसल अपनी फुटबॉल स्किल्स दिखा रहे थे और उन्होंने बॉल रोकने की कोशिश की और बॉल उनके पाँव में आ गई, उन्होंने बॉल नहीं रोकी थी, बॉल वो स्टेप ले रहे थे, रनिंग कर रहे थे आगे फील्डिंग करते हुए, तो उनके पाँव पर आ गई बॉल और इस वजह से वो गिर भी गए, चौका तो रुक गया बट उनको फिर पाँव में मोच आ गई। उसके बाद काफ़ी देर बैटिंग करने के बाद, उसके बाद फील्डिंग एंड बॉलिंग करने के बाद सुनील नारायण को भी यहाँ पर कोई ना कोई इशू आया था, बट ऑन द फील्ड दोनों ही ठीक थे। बट इसके दौरान मैच के दौरान अगर आपने मैच पूरा लाइव देखा है तो रायन टेंडस्कार्टे जो कि टीम केकेआर के फील्डिंग कोच हैं और फिटनेस वगैरह की बात करते हैं, उन्होंने रिंकू सिंह पर बताया कि रिंकू सिंह अभी फुली फिट नहीं है। और स्टेज की अगर बात करें, यानी जो अभी फाइनल स्टेज आने वाला है आगे, जैसे कि प्लेऑफ्स फाइनल वगैरह, तो उस बड़े माध्यम के लिए, उस बड़े स्टेज के लिए रिंकू सिंह को हम बचा कर रख रहे हैं ताकि उनको कोई सीरियस इंजरी ना हो। यही कारण है कि वेंकटेश अय्यर, अंकरिश रघुवंशी वगैरह वगैरह यहाँ पर प्लेइंग 11 में देखने को मिलते हैं, बट फील्डिंग भी देखने को मिलते हैं। बट कहीं ना कहीं बात करें ना तो मैच के अंदर कैच काफ़ी छूटे हैं और वो कैच ने ही बहुत ज़्यादा इशू बनाए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर पुअर विकेट कीपिंग भी फिल सॉल्ट की देखने को मिली है, बट ठीक है हर मैच में तो चलता है दोस्तों, एक दो मैच तो आपको थोड़े देने चाहिए, इतना ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट अपनी टीम के लिए नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कमेंट करके जरूर बताओ कल ऐसा क्या गड़बड़ हो गई कि टीम के हार गए, हार गए। अगर आपको एक नाम लेना हो तो हार का जिम्मेदार कौन होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।